क्या नाम है आपका? नायब भाई पटेल। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? नवसारी से। नवसारी से, अरे वाह। आप यहाँ कौन सी जगह आए हो? डांडी समर्पण आश्रम। डांडी समर्पण आश्रम। अच्छा, ये सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया वातावरण है यहाँ पे। आप सब देख सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो? आत्मा की मस्ती के लिए। आत्मा की मस्ती के लिए? वो क्या होता है? बस आनंद ही आनंद। अच्छा, तो आप आनंद तो घर पे भी ले सकते हैं ना? घर का आनंद और यहाँ का आनंद, जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, हमको विस्तार से बताइएगा। या कि एग्जाम्पल के रूप में, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल का फीलिंग घर पे कभी नहीं कर सकते हो। सही है, वो तो वैसा ही यहाँ सामूहिकता में जो अपन आश्रम में आत्माओं के साथ रहते और फीलिंग जो अंदर आता है आनंद का, वो घर पे सामूहिकता इतनी नहीं होती है जो यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ का आनंद अलौकिक है। अभी ये समुद्र का आवाज सुनाई दे रहा है। यस। तो उसका भी आनंद लेते होगे? ये पूरी जगह इतनी चैतन्य का, मस्ती का भरपूर है, जो यहाँ पे आकर डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी यहाँ बीत जाए बस। मैंने सुना है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ डांडी आश्रम में आते हैं। यहाँ एक विश्व का स्थान है डांडी आश्रम, यानी गुरु शक्तियों का विश्व का स्थान है, यानी स्वामी जी ने यहाँ पे 22 साल बिताया है। जो यहाँ पे 18 तो अनुष्ठान हुए स्वामी जी के सानिध्य में, 45 दिन का घन ध्यान अनुष्ठान, यानी यहाँ पे इतनी चैतन्यवान धरती है, जो इस धरती पे आकर ही अपन सिर्फ बैठ जाते हैं ना, तो अपना अंदर का जो पूरा भाव है ना, वो ऐसे क्लियर होकर आनंद आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे मंगल मूर्ति की स्थापना हुई है, ये भी दो दो मंगल मूर्ति? हाँ, ये अपना पहली मंगल मूर्ति और जो स्थाई गुरु शक्तिधाम का पहला निर्माण हुआ है वो ये डांडी आश्रम से शुरुआत हुआ, और पूरे वर्ल्ड में इसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन स्थापना यहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये ध्यान करने से क्या फायदा होता? ध्यान करने से जो आपने अभी जगह चारों ओर दिखाई ना, प्रकृति कितनी मस्त, प्रकृति के में चित जाता अपना कितना मस्त लगता है, वैसे अंदर ध्यान में जाने से अपने को अंदर जो चेतना रहती है अपनी, अपने को संचालन करती है जीवन की, प्रत्येक श्वास लेती है बाहर निकलती, वो चेतना के साथ अपने को समरस होने के का एहसास होता है। तो आम लोगों को, सामान्य लोगों को इसका क्या बेनिफिट है? सामान्य लोगों को, यानी जो एक बार अपने चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो बाहर का जो टेंशन रहता है, बाहर का जो विचार रहता है, उससे अपन दूर होते हैं, फिर अपनी मस्ती में ही अपना दिन निकलता है। तो ये ध्यान घर पे भी कर सकते हैं ना? दुनिया में किसी भी कोने में कर सकते हो, ध्यान कहाँ करना वो महत्व नहीं है, लेकिन ध्यान सामूहिकता के साथ जुड़कर फिर कहीं पर भी कर सकते हो, यानी पहला स्कूल में जाकर अपने को कैसे पढ़ना है वो सीखना है, फिर कहीं पर भी पढ़ सकते हो। तो आप ये कहना चाहते हो एक बार आप प्रकृति से जुड़ जाओ, बाद में आप कहीं भी ध्यान करो, तो ये सही है? यानी प्रकृति से जुड़ना, यानी पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्रकृति से जुड़ना यानी क्या, जो प्रकृति से जो इंसान, जो व्यक्ति, जो आत्मा जुड़ी हुई, उसके साथ अपन जुड़ते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं और चित्त से सतत वो साधना रहती है, साधना के साथ फिर उनके साथ एक रूपता होती है, वो प्रकृति से जुड़ना। ऐसा नहीं कि प्रकृति यानी कहीं पर भी जाकर प्रकृति जुड़ सकते, जो व्यक्ति, जो आत्मा प्रकृति से जुड़ी हुई, उसके सानिध्य में अपने को एहसास करना है कि वो कैसे जुड़े हुए, वो कैसी किस इच्छा से अपने को जुड़ना चाहता है, उसके साथ रहकर फिर अपन प्रकृति के साथ जुड़ सकते, यानी गुरु के साथ ध्यान करके फिर ही अपने को आगे प्रकृति से जुड़ सकते। तो कई गुरु कहते हैं कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ, यानी क्या भीतर, यानी क्या भीतर? यानी अपना निधाम, निधम यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य यानी कि जो अपनी आत्मा अपने को संचालन करती है, जीवन का प्रत्येक श्वास लेती है, देती है, यानी अपना जो 80 साल 90 साल का जीवन है उसको संचालन करती है, उसको समझना है कि वो क्या चाहती है अपने माध्यम से, और वो एक बार वहाँ तक गुरु के सानिध्य में जाकर समझ जाते हैं कि अपनी इच्छा क्या है, रियल में अपना उद्देश्य क्या है, वो ही जीवन का लक्ष्य रहता है, इंसान का, हर इंसान का लक्ष्य रहता है अपने आप को जानना। एक बार जान लिया फिर दुनिया में मंगल ही मंगल रहता है। तो आप कहना चाहते हैं कि ध्यान करने से हम बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, ऐसा? नहीं, ध्यान करने से बैलेंस लाइफ नहीं, ध्यान करने से पहले तो आप स्थिर होते हो। स्थिर यानी कि तुम्हारा चित, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हाव भाव पूरा बैलेंस हो जाता है कि तुम जहाँ जो चाहते हो वही होता है। दुनिया के प्रभाव में आकर तुम कोई डिसीजन नहीं लेते हो, दुनिया के प्रभाव में आकर कोई कार्य नहीं करते हो,
तुम्हारी मस्ती के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी और अपने परिवार को एक आनंद झिंगालाला जीवन के साथ जीते हो। यानी ध्यान में जो मंगल रहता है वो और कहीं पर भी कैसा कोई स्थान नहीं जो ध्यान से मंगल होता है, वो बाहर से मंगल हो सकता है। तो आपका कहना है कि झिंगालाला जिंदगी लाइफ जीनी हो तो ध्यान से जुड़ना चाहिए। झिंगालाला ने जीवन में आनंद ही आनंद में जीना हो तो ध्यान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं? मैं 18-20 साल से जुड़ा हुआ इस। अरे वाह। और मेरे लाइफ में जो अभी मैं तो दूर कीजिए, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, ध्यान करते लग गए। मेरे को भी पता नहीं कि मैं भी बच्चा हूँ तो मेरे बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए और वो भी इस कार्य में कैसे जुड़ गए। यानी मुझे पता ही नहीं मेरा लाइफ का अब तक का समय कैसे बीत गया। तो आपकी वाइफ इसमें जुड़ी है? मेरा पूरा परिवार ही स्वामी जी के सानिध्य में जुड़ा हुआ है और रेगुलर ध्यान भी होता है गुरु कृपा के माध्यम से। मेरी इच्छा से नहीं, लेकिन जीवन में घर पे रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर भी हुई नहीं, मेरे गुरु मेरे माध्यम से प्रकृति संचालन करती है मेरे जीवन का। तो आपने अपने परिवार का, आपने अपने पूरे परिवार को जोड़ दिया? मैंने नहीं जोड़ा है, मेरी कोई यानी मैं भी मेरी औकात से नहीं जुड़ सकता, गुरु की कृपा। क्या मालूम कौन से भाव की गुरु की कृपा और इस जीवन काल में मुझे गुरु मिल गया। मैं उसको भी प्रार्थना करता हूँ कि परिवार भी तेरा, ये संसार भी तेरा, तू जो चाहे वो करवा ले, बस वही करते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होगा भी नहीं। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो मन की शांति चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन में जीवन का उद्देश्य शांति के लिए हुआ है, ये तो सही है, और शांति के लिए जीवन लोग जीते भी है, लेकिन उसको शांति कहाँ सही अर्थ में मिलती है वो पता नहीं। एक बार ध्यान से जुड़े, समर्पण मेडिटेशन को क्या है वो समझे और उसमें आकर एक बार उनका जीवन का समय आधा घंटा घंटा एक बार उसको समझे कि वो क्या दिशा देना चाहते गुरु शांति के लिए, फिर उसमें ज्वाइंट ओवर जो हमें मिला है वो मालूम है हमें मिला है तो उसको भी मिलने ही वाला है। एक बार यहाँ पे आना जरूरी है, उसको समझना जरूर, समझना नहीं कि वो कौन सी दिशा से अपने को जुड़ना चाहते, वो समझ कर फिर ये ध्यान करेंगे तो उसके जीवन में भी झिंगालाला ही रहेगा। तो आप कहते हैं कि आधा घंटा या घंटा ध्यान में देना चाहिए, तो इतना इनफ है? ये हमारी स्वामी जी ने दिया हुआ संकल्प है कि तुम अपने आप से आधा घंटा समय बिताओ अपने आप के लिए, जो अपने आत्मा के लिए, वही आधार पे मैं कहता हूँ कि आधा घंटा या एक घंटा ध्यान के लिए काफी है स्वामी जी के अनुसार ध्यान करके। तो ध्यान रोज करना चाहिए या हफ्ते में एक बार करे तो चले? ध्यान तो मेरे हिसाब से मैं तो यही चाहता हूँ स्वामी जी के मेरी हर श्वास में ध्यान ही रहे, लेकिन आधा घंटे से शुरुआत होती है और धीरे 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 अपने आत्मा के साथ फिर ध्यान में रहते हैं आनंद में। जिन लोगों ने कभी ध्यान नहीं किया है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया और जिन लोगों ने ध्यान किया है उसके मार्गदर्शन के रूप में उसको उसके लाइफ के अनुसार एक बार अनुकरण करके, वो उसके पास बाहर का ऐसा कोई परिस्थिति नहीं कि गाड़ी नहीं बंगला नहीं, फिर भी वो परिवार के साथ खुश कैसे रहते हैं? यानी दुनिया के पास गाड़ी भी है बंगला भी है फिर भी दुखी टेंशन में रहते, तो एक बार वो अनुकरण करके उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी जीवन में झिंगालाला कैसे है, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पास अतृप्ति क्यों है। यानी जो बाहर की दौड़ है उससे थोड़ा हटके अंदर की दौड़ के दौड़ में आए गुरु के सानिध्य में, फिर समझेंगे कि जीवन में सुख तो अंदर ही, बाहर तो है ही नहीं, फिर अंदर से जर्नी चालू होती है जीने की। लेकिन सामान्य मनुष्य होते हैं उनके पास इतना समय नहीं रहता है, जॉब नौकरी धंधा करते हैं, तो वो कैसे इसमें टाइम निकाल सकते हैं? यानी मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी मेरे जीवन में प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव मेरे जीवन का एक घंटा आपको मैं कैसे सौंप पाऊँ ना, ये मुझे सिखा दे बस। यानी मेरे माध्यम से आप वो एक घंटा आपके लिए निकाल दो तो मुझे, मैं नौकरी करता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद नौकरी वालों को मुझे दिक्कत नहीं है तो नौकरी वालों को दिक्कत, एक बार इच्छा करेंगे तो इच्छा शक्ति दृढ़ रहेगी तो वो घटित हो जाएगा। तो ये ध्यान करने से स्टूडेंट्स को कुछ लाभ हो सकता है? स्टूडेंट को तो 100% लाभ होता है, यानी कि मेरे घर का अनुभव के आधार पर तो मेरी बच्ची है जो भी 10 में 11 में 10 तक जो पढ़ी है 1 या 2 नंबर पे ही रैंक आता है। यानी कभी वो मैं उसे या उसे कोई पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलता, लेकिन उसका वो ध्यान के माध्यम से इतना स्ट्रांग रहता है और स्थिर रहता है कि जो पढ़ता है एक बार तो उनको याद रह जाती है। ध्यान के माध्यम से जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होती है, हर क्षेत्र में, शांति में, आर्थिक में, सामाजिक में, मानसिक में, हर स्थिति में संतुलन से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग सोशल लाइफ जीते हैं, परिवार में रहते हैं, तो वो तो इतना टाइम नहीं निकल सकते, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? यानी मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार ध्यान से जुड़ जाने के बाद सारा रास्ता निकल जाता है। खूब खूब धन्यवाद दया भाई।
आप नवसारी से आए हो, यहाँ पे डांडी आश्रम की विजिट आपने करवाई और हम चाहते हैं कि सब लोग ये वीडियो के माध्यम से सब लोग आधा घंटा या एक घंटा निकाले और ध्यान में जुड़े, यही सबसे प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी। खूब खूब धन्यवाद बधी आत्माओं ने, बधा बोलनार ने, सांभळनार ने, इंटरव्यू लेनार ने, सत सत नमन, जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी। थैंक यू, थैंक यू।